हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नीलम सिंह चैनल और मैं हूं नीलम। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि इससे पहले आज मैं फेस योगा के ही एक पार्ट का आपको बताऊंगी। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको फेस योगा के लिए बताया कि चीक को आप इस तरह कैसे गुलफुल गोल मटोल सा बना सकती हैं अगर आपके चीक पीछे हुए तो, या आप अपने चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो कैसे ला सकती हैं, इसके लिए एक्सरसाइज मैंने बताया था। लेकिन आज की जो एक्सरसाइज है वो चेहरे के सबसे खूबसूरत से आईज के लिए है। तो आईज के एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जिस तरह हम अपने फेस का ख्याल रखते हैं, हेयर का ख्याल रखते हैं, तो उसी तरह हमको अपने आई का भी ख्याल रखना है। क्योंकि अगर हमारी आई सुंदर रहेगी तो पूरा हमारा चेहरा तो अपने आप ही सुंदर हो जाएगा। तो चलिए आज आपको बताने वाली हूँ मैं आई के कुछ एक्सरसाइज जो बहुत ही ईजी है, कभी भी आप कर सकती हैं, सुबह शाम दोपहर कभी भी टाइम निकाल के आप इसको कर सकती हैं। और अगर आप इसको करती हैं तो आपको आई की जो प्रॉब्लम है वो कभी नहीं होगी। तो चलिए आज की जो एक्सरसाइज है उसको मैं स्टार्ट करती हूँ कि आज की एक्सरसाइज क्या है। तो लेकिन उससे पहले आगे तो मैं बढ़ूंगी ही, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चाहती हैं कि इसी तरह मेरे वीडियोज़ आप देखती रहें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन जो है छोटी सी जो घंटी है उसको आपको टन टन करके हिट कर देना है, क्योंकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी और मैं नहीं चाहती कि आप मेरे कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो की मिस कर दें। तो चलिए वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आई के एक्सरसाइज आपको बताऊंगी। तो आई के एक्सरसाइज में आपको क्या करके और आई को थोड़ी सी बड़ी करनी है इस तरह, और उसके बाद अपने आई को आपको इस तरह बड़ी करके और साइड टू साइड आपको इसको देखना है। जैसे कि पहले आप जितना हो सके इसको उतने पीछे साइड से आप देख सकती हैं, जितना दूर तक आप इसको देख सके उतने दूर तक आप देख सकती हैं, और सेम यही प्रोसेस बाएं साइड में भी करेंगे। फिर इसको दाएं साइड में करेंगे। आपको हर एक्सरसाइज को कम से कम 15 टाइम करना है, इससे कम नहीं करना है। क्योंकि अगर आप चाहती हैं कि आपके आंखों पे अच्छा इसका असर पड़े तो आपको इसके लिए एक्सरसाइज जो करनी है वो 10 से 15 टाइम करनी है एक बार में। इसको होल्ड में कम से कम 5 सेकेंड तक तो आपको होल्ड करना है, और उसके बाद इसको फिर सेंटर में आके इसको स्टॉप कर देना है। उसके बाद जो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज होगी वो है जो अभी एक्सरसाइज में आपको बताया, इसको कम से कम 15 टाइम तो कम से कम आप करें। उसके बाद इस तरह हम अपने आई को करेंगे और उसके बाद हम इस अपने आईज को सर्कल में इस तरह घुमाएंगे। इस तरह इस क्रिया को हम कम से कम एक बार में 15 टाइम करेंगे। इस तरह अब सेम इसी प्रोसेस को हम टर्न करेंगे, क्योंकि दोनों साइड में आपको करना है। तो अब हम इसे करेंगे इस तरह, दाएं से बाएं के साइड में सॉरी हम इसको करेंगे, जितना हो सके आप अपने आंखों को एकदम सर्कुलेशन मोशन में आप इसको घुमाएं इस तरह। इससे आपके आंखों पर जितने जोर पड़ेंगे, जितनी दूर आप देख सकती हैं, जितने अपने आंखों को आप खोल सकती हैं उतना आप खोलें। ये आपके आंखों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इससे आपके आई के जितने भी प्रॉब्लम है वो इसलिए दूर होंगे, क्योंकि हमारे आई के भी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि इस समय झुर्रियाँ पड़ना, आंखों के नीचे कालापन हो जाना और आंखों से पानी आना, आंखों से दिखाई न देना, तो इससे ये सारे प्रॉब्लम जो है वो इजीली दूर होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा एक्सरसाइज है उसको हम आँख को इस तरह अप करेंगे, और पहले अपने आईज को इस तरह बिल्कुल ओपन कर लीजिए और उसके बाद अप करेंगे
और उसके बाद डाउन। फिर आप और फिर डाउन। हर एक्सरसाइज को जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप हर एक्सरसाइज को 10 टू 15 टाइम करें। इस तरह तो इसको 10 टू 15 टाइम आपको करना है। उसके बाद क्या करना है, फिर से अपनी आंखों को बड़ी करना है और इसको अप देखना है, फिर डाउन देखना है, अप देखना है, फिर डाउन देखना है। और सेम यही प्रोसेस नेक्स्ट आई से भी करेंगे। पहले आप फिर डाउन, फिर आप फिर डाउन, अप डाउन। ये एक्सरसाइज भी हो गई। उसके बाद आपको एक्सरसाइज में जो बताऊंगी, अपनी आंखों को इस तरह मीचना है, आप जितना हो सके अपने आंखों को मीचे। ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। इस तरह करना है। फिर आपको अपने ये जो पलके हैं, पपड़ियां हैं, इनको जल्दी जल्दी मटकाना है इस तरह। ये हो गया। फिर लास्ट में जो आपको एक्सरसाइज बताऊंगी आंखों के लिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप अपने थंब को इस तरह कर लीजिए आगे एक साइड में और इसको इस तरह कर लीजिए और इस थंब पे देखते हुए आप इसको अपने आंखों के क्लोज लाइए, फिर दूर ले जाइए इस तरह। इससे हमारे आंखों की दृष्टि जो है वो बढ़ती है और साथ ही हमारे आइज का एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा होता है। इससे दूर से चीज़ें जो आपको दिखाई नहीं देती है, ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो इस पर थंब पे देखते हुए, सॉरी इस तरह करेंगे, थंब पे देखते हुए इसको हम सिर्फ थंब पे ही आप देखेंगे। और उसके बाद इसको हम दूर करेंगे, फिर इसको क्लोज लाएंगे। फिर इसको हम दूर करेंगे। इस तरह। तो ये एक्सरसाइज भी बहुत ही अच्छा है। तो आज के लिए, आइज के लिए इतने ही एक्सरसाइज। तो चलिए, आपको मेरे एक्सरसाइज कैसे लगे, कितनी यूजफुल लगे, जरूर इसको कीजिएगा। और यकीन मानिए, आप इसको डेली कीजिए अपने रूटीन में, मॉर्निंग में, इवनिंग में। अगर हो सके तो आप दोनों टाइम इसको कर सकती हैं। सिर्फ 5 मिनट टाइम आपको निकालना है अपने आई के एक्सरसाइज के लिए, तो ये आपके लिए आई के प्रॉब्लम जितने हैं वो दूर हो जाएंगे। और आप अगर आप चाहते हैं कि आपके आई के प्रॉब्लम दूर हो, तो ये एक्सरसाइज आप सुबह शाम जरूर करें, ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। तो चलिए, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए, इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।